विद्यार्थियों, आरसीएच बांसुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक संबंध पढ़ रहे हैं, प्रांत आंतरिक परावर्तन पश्चात क्रांति कोण एवं माध्यम के वर्तमान में क्या संबंध पाया जाता है। क्रांति कोण और जब वर्तमान है इसमें क्या रिलेशन पाया जाता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने इससे पहले की वीडियो में क्रांति कोण की परिभाषा हमने पढ़ ली थी कि वह विशेष अवस्था जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस विशेष आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। क्रांति कोण को आईसी द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह है वो आईसी होता है। और हम संबंध पढ़ने जा रहे हैं क्रांति कोण जो है और जो माध्यम का वर्तमानांक है इसमें क्या संबंध पाया जाता है। अपन जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो घटना है इसमें प्रकाश से मोस्टली सघन माध्यम से और विरल माध्यम प्रवेश करता है। तो माना प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। हमने इससे पहले एक नियम पढ़ा था, स्नेल का नियम। हम जानते हैं स्नेल के नियम से, हम जानते हैं कि जो नियम होता है स्नेल का वो क्या होता है भाई, ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल एन टू वन होता है। एन टू वन का मतलब है दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये संबंध होता है स्नेल के नियम से। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन इक्वल एन टू अपॉन एन वन भी इसको लिख सकते हैं। अब यह देखिए, अगर हम शर्त लागू करते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन की, अगर हम शर्त लगाते तो इसमें अपन जानते हैं कि भाई इसमें जो आई का मान तो आई से हो जाता है और उसमें आर का जो मान है वो कितना 90 डिग्री हो जाता है। तो हम लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्त से अगर हम शर्त लगाएंगे तो इससे क्या है कि भाई इस शर्त के अनुसार यहाँ पे जो आई का मान क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा, और जो आर का मान है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और बराबर एन टू। ठीक है, एन टू मतलब दूसरे माध्यम का पूर्णांक, तो ये एन ए हो जाएगा और ये एन वन, क्योंकि भाई यहां देखो इसको एन डब्ल्यू मान लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे प्रकाश यहां से माना प्रकाश है सघन माध्यम से प्रवेश कर रहा है विरल माध्यम में, तो ये हमारा प्रथम माध्यम, इसका वर्तमान क्या हो जाएगा एन डब्ल्यू, किसी पानी बराबर इसलिए, और इसका वर्तमान क्या हो जाएगा एन ए। तो प्रथम माध्यम कौन सा हो गया एन डब्ल्यू और दूसरा कौन सा हो गया एन ए, तो एन टू बटा एन वन मतलब एन ए बटा एन डब्ल्यू हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ इसका मान एक अपन जानते हैं तो कि भाई साइन जो 90 डिग्री है उसका मान एक होता है, यहाँ आ जाएगा साइन आईसी अपॉन वन और एन ए अपॉन एन डब्ल्यू। इन हमें तो संबंध प्राप्त करना है कि अपवर्तनांक और क्रांति कोण में क्या संबंध पाया जाता है। अपन ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो एन ए है एन ए का मतलब है वायु का अपवर्तनांक जो कि एक होता है, और एन डब्ल्यू का मीन्स है पानी का अपवर्तनांक, क्योंकि इस घटना में प्रकाश पानी से वायु में प्रवेश करता है, इसलिए तो एन ए का जो मान है वो लगभग भाई एक होता है। तो यहां जाएगा एक तीन, ये हो जाएगा साइन आई सी बराबर वन अपॉन हो जाएगा एन डब्ल्यू, या एन डब्ल्यू का हो जाएगा वन अपॉन साइन आई सी।
तो वही ये संबंध इसमें पाया जाता है, ठीक है। इनमें अब यहाँ पे हम इसका मान या प्रतिमान किसी माध्यम को हो सकता है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि n बराबर हम इसको साइन आई सी का वाला संबंध यहाँ ले सकते हैं। नहीं, अब प्रतिमान और जो क्रांति कोण होता है इसमें उल्टा संबंध पाया जाता है, इसमें व्युत्क्रम का संबंध पाया जाता है। तो ये इसका फाइनल ये इसमें संबंध है एन बराबर वन अपॉन साइन आई सी होता है। ये था संबंध। आगे देखिए, अब हम इस संबंध के आधार पे एक छोटा सा आंकड़े प्रश्न सोल्व कर लेते हैं कि भाई किसी माध्यम से प्रकाश हवा में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। आप देखिए, हम यह समझ जाएंगे कि जब किसी माध्यम से प्रकाश कहाँ प्रवेश कर रहा है, हवा में प्रवेश कर रहा है, और उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस मतलब ये है कि वो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर रहा है। इस माध्यम से हवा में क्रांति कोण का मान 30 डिग्री है, तो माध्यम का प्रतिमान ज्ञात कीजिए। तो अपने मान लेते हैं, माना माध्यम का अपवर्तनांक एन है। एन मान ले, अब संबंध में पाया जाता है भाई एन बराबर क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं संबंध में, एन बराबर होता है वन अपॉन साइन आई सी होता है, साइन आई सी एन बराबर। अब देखो आई सी का मान हमें दिया है कि आई सी क्या है, क्रांति कोण मान दे रखा 30 डिग्री, ये आ जाएगा वन अपॉन साइन 30 डिग्री। और हम इसका मान जानते हैं जो कि साइन जो है 30 डिग्री का जो मान है वो 1/2 होता है, ये आ जाएगा एन बराबर वन अपॉन साइन 30 डिग्री, मतलब एन बराबर वन अपॉन 1/2, 2 जाएगा ऊपर, यानी एन का मान आ जाएगा 2। ये इसमें इसका आंसर जाएगा। ये था आपस में समन अपवर्तनांक और क्रांति कोण, और ये इसका हो गया अंकीय प्रश्न। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।